वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन कल लास्ट क्लास में सेवन मोड के दो तीन क्वेश्चंस कर लिए थे। बिना अपन ने परमिशन यानी कि बिना क्रम चेक की हेल्प से अपन ने वो क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। मैं सही बोल रहा हूं क्या? क्योंकि अपन ने मेथड पढ़ लिया है सेवन मोड का। तो सेवन मोड में जो क्वेश्चन पढ़ा था वही कांसेप्ट अपन कर पाते हैं, तो सेवन मोड के लिए क्वेश्चंस कवर हो गए। तो कोई प्रॉब्लम है अपन क्यों है ना? देखिए अपन आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीन हो गए थे तो अपन फोर्थ वाला भी कर सकते हैं। 7.3 का फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट, नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इज नो डिजिट रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपने कल क्लास की थी, समझ आ रहा है? ओके देखिए अपन बात करें 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास गिवन डिजिट्स है, अगर गिवन डिजिट्स की बात करूं मैं, मतलब दिए गए अंक है आपके पास, दिए गए अंक वो क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 इतने यही है अपने पास। ओके इनसे अपने को चार डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन वो सम संख्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। सीधी बात ये है कि चार का बनाएंगे तो चार बॉक्स बनाएंगे पक्का, या तो यहाँ पे टू आ सकता है फिक्स है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे फिक्स कर दे अपन फोर आ जाए। यहाँ पे ये राष्ट्रपति बैठे हैं, यहाँ पे इनकी सीट फिक्स हो गई कि मैं तो नहीं हिलूंगा यहाँ से, कुछ भी कर लो आप। अब जब एक फिक्स हो गया तो इसका तो एक ही तरीका होगा, इनमें से पांच डिजिट से एक फिक्स हो चुका है, अब कितने डिजिट बचते, चार। इस पे कितने चारों में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे तीन में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे दो में से कोई भी आ सकता है, यहाँ पे कोई फिक्स हो गया, यहाँ पे चारों में से कोई भी आ सकता है, तीन में से कोई भी आ सकता है, दो में से कोई भी आ सकता है। देखिए आंसर चेक करेंगे तो 48 आ रहा होगा, चेक करेंगे एक बार आप आंसर। टोटल नंबर्स, टोटल फोर डिजिट्स नंबर, डिजिट्स इवन नंबर्स, यानी कि कुल 120 आंसर कितना आता है, 1.41। एक सेकंड पूछे हैं, देखिए स्टूडेंट्स इसमें दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक तो सम संख्याएं वाले पूछा है और एक कितनी संख्याएं बना सकते हैं वो पूछा है। ठीक है, कितनी संख्याएं बना सकते हैं, देखो यहां पे टोटल फोर डिजिट इवन नंबर्स वो तो कितने हो गए, कुल चार अंकों की सम संख्या है। वो कितनी हो जाएगी, 4 × 3 × 2 × 1 + 4 × 3 × 2 × 1, ये तो बात 24 हो गया, 24 + 24 = 48। 24 + 24 कितना हो गया, 48। अब देखो इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इधर देखो एक बार मैं समझा देता हूँ, आप कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो अगर ये मेथड भी अगर आपको समझ में आता है। आप मेरे को ऐसे बताओ कि यहाँ पे कितने इवन नंबर्स हैं, दो इवन नंबर्स हैं, बात को समझ में आता है, 3 या 4, यानी दो इवन नंबर तो कोई भी आ सकता है, बात को समझना। इन दोनों जैसे ये आपका इवन नंबर एक ही है, इन दोनों इवन नंबर में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे, तो दो नंबर्स में से कोई भी आ सकता है इस केस पे। अब आप मेरे को बताओ, लेकिन एक बार में तो एक ही तो आएगा, एक बार में एक ही आएगा, तो अब अगर मैं इसमें एक लूं तो कितने बच गए, चार बच गए, यहाँ पे तीन बच जाएंगे, यहाँ पे दो बच जाएंगे, आंसर इक्वल 48 आएगा। थोड़ा ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन सा बन गया। अगर मान लो यहाँ पे 6 भी आ जाता तो फिर बताओ कितना होगा, यहाँ पे 3
दो चार और छह में से टू टू फोर और सिक्स में से कोई भी आप ले सकते थे, लेकिन एक बार में तो एक डिजिट आएगा। अब बताओ एक डिजिट आने के बाद पांच बचेंगे, चार बचेंगे, तीन बचेंगे, तो मतलब आपको तरीका समझ में आना चाहिए। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसमें तीन केसेस बन रहे थे अलग अलग में सेपरेट कर, लेकिन मेरे को इस सेपरेट करने का तरीका अच्छा लगता है। अगर आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाली चीज भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें दो पार्ट पूछा था हमें, को एक पूछा था कि चार डिजिट से आप कितने नंबर्स बना सकते हो, इवन ओड सारे नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल होगा, कैसे करेंगे देखिए बच्चों, इसको अगर मैं ऐसे बोलूं फोर डिजिट नंबर्स इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चार अंकों की संख्या है, लेकिन डिजिट ये कह रहे हैं आपको चार अंकों की संख्या है, बताओ क्या होगी। देखो बॉक्स से बना सकते हैं, बिना बॉक्स भी बना सकते हैं, दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। इधर देखो एक बार, आप मेरे को ऐसे बताओ एक दो तीन चार पांच, आपको पांच लेना है, यहाँ पे कोई भी डिजिट आ सकता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, चार में से तीन में से दो में से आंसर कितना आ गया, अगर बात करें तो पांच और बीस एक सौ बीस। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और है, देखो अभी बताऊंगा इसको परम्यूटेशन से कैसे करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन से कैसे करते हैं, परम्यूटेशन से कैसे करते हैं, इसको शुरू होगी। देखिए बच्चों आपको पांच लेने हैं, अगर पांचों की पांचों लेता मैं, अगर मैं मान लू पांचों की पांचों लेता मैं, तो आपको पता फैक्टोरियल पांच ले लेता मैं 120, ऐसा क्यों, या मैं ऐसे बोलता कि पांचों की पांचों डिजिट लेने हैं तो पांच डिजिट का बनता, तो यहाँ पे क्या था पांच चार तीन दो एक आता। अगर मैं मान लो पांचों के पांचों डिजिट लेता तो यहाँ पे पांच आता, चार आता, तीन आता, दो आता, एक, क्या ये फैक्टोरियल पांच है, मेरी बात को समझ रहे हो, अरे क्या ये फैक्टोरियल पांच है, एक बार यस और नो में कमेंट करो। देखिए अगर मैं पांचों की पांचों डिजिट लेता हूं, अरे बोलो तो सही हो, हाँ ये बात समझ में आ गई। अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं कि मेरे को पांच में से चार ही सिलेक्ट करनी है, देखना सिलेक्ट करने का मतलब होता है सी कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन। अब आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है, उनको अरेंज भी करना है, क्या बोला मैंने, सिलेक्ट नहीं करना है उनको अरेंज भी करना है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी चार लेने में से आगे पीछे भी तो कर सकते हो, और अरेंज करने का तरीका कितने डिजिट्स के अरेंज करना है, चार ही तो बना नहीं सकते तो फैक्टोरियल फोर कर दिया, बताओ सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, फैक्टोरियल फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव माइनस फोर इंटू फैक्टोरियल फोर इंटू फैक्टोरियल फोर कट जाएगा, फाइव माइनस फोर कितना हो गया वन, फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन, फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू वन कट गया आंसर। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपको पता है किसी चीज को सिलेक्ट करके अरेंज करना व्यवस्थित करना, दैट्स व्हाई परम्यूटेशन होता है। मैंने कॉम्बिनेशन लगाते हुए अरेंज किया है, यानी कि संचय बनाते हुए क्या किया मैंने, अरेंज किया है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सर मैं ऐसा नहीं करूँ कि कॉम्बिनेशन लगाऊ, मैं डायरेक्ट परम्यूटेशन लगा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो परम्यूटेशन लगाते हैं यानी कि क्रम चीज, उसका मतलब होता है पहले सिलेक्ट करो फिर उसको अरेंज करो, क्या करो अरेंज, उसमें लगा सकता हूँ पांच में से आपको कितने लेने हैं चार, तो फाइव बी फोर, इसका फॉर्मूला होता है एन पी आर का, वो भी बताऊंगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, मैंने करवा दिया था कि फॉर्मूला है लिखवा दिया था एन पी आर का, एन पी आर का नहीं लिखवाया हुआ सर, हाँ ठीक है। तो देखो बताऊंगा अभी मैं कराऊंगा, तो 5 की फॉर्म कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस को बताओ वैल्यू कितनी आने वाली है, एक बार देखो देखे फैक्टोरियल 5 को कितने वैल्यू आने वाली, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 5 में से 4 किया तो 1 120 बटा 1
120 यानी कि किसी भी तरीके से कर सकता हूं। अगर आपको बिल्कुल पिक्चर बढ़िया तरीके से अगर मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगा दूंगा, एक तो मैं दोनों का बॉक्स बना रहा, एक हो गया कॉम्बिनेशन के साथ सेलेक्ट करना और एक डायरेक्ट परमुटेशन। तो ये चीज मैं कब आएगी जब आप उस पर क्रॉस डालेंगे, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा ये चीजें, लेकिन आपको सिर्फ अभी ये करना है, ये कुछ भी नहीं करना, ये वाला आपको ये वाला भी नहीं करना है जो मैंने लिख रखा है, उनको ही नोट कर लो। आपको लो स्क्रीन शॉट ले लो इसका, डन। चले आगे, उसकी बात करते हैं। ये तो मैंने लॉजिक से करवा दिए क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए परमुटेशन की बात करते हैं। परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं कर्म चेन, ठीक है। कर्म चेन इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, कर्म का क्या होता है महत्व होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर इन परमुटेशन ऐसे बोलेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ importance of order in will be in permutation। इसका मतलब क्या हुआ, क्रमचे में क्रम का महत्व होता है, क्रम का महत्व होगा, महत्व होगा। एग्जाम्पल ठीक है, अपने को मान लीजिए आपके पास तीन लेटर्स हैं, दो दो लेटर्स को अपने को क्या करना है सिलेक्ट करना है। कितने लेटर्स को करना है, दो दो लेटर्स को अपने को क्या करना है सिलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है। तो बताइए क्या आने वाला है, तो ए बी आएगा, एक बी आएगा, बी सी आएगा, ए सी ठीक है। ये इंपोर्टेंस यानी कि इसमें ए बी बी ए भी होगा, बी सी सी बी जी सी मान लो एक राहुल है, कान है, एक श्याम है और एक रमेश है, या मान लो विनोद है। अब मैं किसी ग्रुप को बैठाना चाह रहा हूँ, तो राम और विनोद पास में बैठेंगे तो पक्का विनोद और राम भी हो सकता है। देखिए इसका ऑर्डर का इसका ऑर्डर का अलग है, क्योंकि ये इसके राइट में ही है। राम विनोद विनोद राम ऐसी श्याम विनोद विनोद श्याम विनोद अच्छा राम श्याम श्याम राम। तो देखिए ऑर्डर का क्या हुआ, इंपोर्टेंस होगा महत्व होगा, क्या हुआ महत्व। अब जैसे मान लो मेरे पास मान लो अगर अपन बात करें फूलों की माला है, हजारे की फूल है या गुलाब की फूल है, मान लीजिए मेरे पास, या मैं ऐसे बोल रहा हूँ मेरे पास सारे फॉल्स है, या मान लो चार फूल चाहिए, दो तीन चार फूल, ठीक है, एक दो तीन चार, कितने
चार वन वन टू थ्री फोर एक सेकंड है ना देखिए तो मान लीजिए ये मेरे पास सारी रेड कलर की बोर्ड्स है और बिल्कुल सेम साइज की है, ठीक है। और अगर मैं रेड कलर की बोर्ड को अगर मैं इनको अरेंज करूंगा तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? एक ही तरीका होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर इस आर को अगर यहाँ लिख देंगे, इस आर को यहाँ लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम कलर की है, सेम साइज की है, सेम ब्रेड की है, सेम शेप की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका एक ही तरीका होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, अगर बात करें अपन, जैसे मैं लिखा कोई भी अक्षर मान लीजिए, रामायण है मान लीजिए, ठीक है, आर ए या रमन है मान लीजिए आपके पास, ठीक है। अगर मैं इन लेटर्स को मेरे पास 1 2 3 4 ये लेटर्स है, ठीक है, आर ए एम ए एम, अब इनको मैं सब लेटर्स को बनाना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 इन पांचों लेटर्स को मैं लेके वर्ड्स बनाना चाह रहा हूँ। मेरे पास है आर ए एम ए एम, इनको सभी को लेकर मैं वर्ड्स कितने बना सकता हूँ? अब देखिए आप बनाओगे, पहले बनाओगे आर, ये पहला ही वर्ड हो गया, ठीक है, फिर आप फिर इनको चेंज कर दोगे आर ए एम एन ए, फिर आप चेंज करोगे आर ए एन एम ए, ऐसे आप चेंज करते जाओगे और मेरे हिसाब से कल तक तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ज्यादा लेटर्स हैं, ज्यादा लेटर्स हैं और अपन इनको अरेंज करके कोई वर्ड्स बनाते हैं तो देखिए इसमें क्या काम आता है, परम्यूटेशन। क्या काम आएगा? परम्यूटेशन यानी कि करा लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास रामायण है, कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 आएगा। कितने सेम आ रहे हैं? 1 और 2, तो फैक्टोरियल 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लो अपने पास ऐसे आके जयपुर आ गया, जे ए आई पी यू आर, 1 2 3 4 5 है, अपने पास 6 लेटर्स है लेकिन सभी क्या है? डिफरेंट है, 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 6 आएगा। अब नीचे से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सेम नहीं आ रहा, आंसर इज फैक्टोरियल 6, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूं लेटर्स की, पहले मैं सिंपल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। हां देखिए आगे बात करें, आपके पास अगर n कोई संख्या है, n आइटम्स है या n टर्म्स है, अगर उनमें से मैं r का परम्यूटेशन बनाता हूं, अरेंज करता हूं r सेलेक्ट करके, n p r, p का मतलब परम्यूटेशन यानी कि क्रम चिन्ह, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस
जैसे मान लीजिए आपके पास 3c2 आ गया, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 6 आ गया। ठीक है, एक अगर मान लीजिए आपके पास n थिंग्स हो, n थिंग्स का मतलब आर डिफरेंट, इसका मतलब हुआ यदि विभिन्न n वस्तुएं हो देखिए टोटल उनको व्यवस्थित करने के तरीके टोटल वेव्स कितने होंगी या कुल तरीके उसको बोलेंगे फैक्टोरियल n। एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास जयपुर आ गया और जयपुर में आपको सभी लेटर्स एक साथ लेने हैं, सभी लेटर्स ठीक है, कितने बस बना सकते हैं, तो आंसर 1 2 3 सब डिपेंड है 1 2 3 4 5 6 आंसर इज फैक्टोरियल 6 विल बी 720। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जी इतनी बात समझ में आ गई, ओके, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है ना। थैंक यू सो मच।